हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार करेले की सब्जी। ये सब्जी बनाना बहुत ही आसान है और एक बार इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी नहीं खाता है ये करेले की सब्जी वो भी खाने लगेगा। ये बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाएंगे, तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे नई वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने आधा किलो करेला लिया है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो जितना करेला लिया है। एक करेला हमें छोटे साइज़ के लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें अंदर के सारे बीज निकाल कर लेने हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ के करेले नहीं है तो आप एक में दो बनाकर इस तरह से काट सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें पीसेस बना कर लिए। इसी तरह हमें सारे करेले के बीज निकाल कर लेने हैं और इस तरह से हमें कट लगाना है। अगर आप बिना कड़वाट के मसालेदार करेले की सब्जी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने इस तरह से सारे करेले के बीज निकाल कर लिए हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में इन करेलों को डाला है और इसमें हमें पानी डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ऊपर से नमक डाला है और इसको हमें आधे घंटे के लिए ऐसे ही रखना है। अब हमें यहाँ पर इसका मसाला रेडी करके लेना है। इस मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो प्याज को काट कर लिया है और इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। इसे फ्राई करते समय हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है, फिर इसको अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, ये थोड़ा फ्राई हो जाने के बाद हमें एक टमाटर को काट कर इसी में अच्छे से एक से दो मिनट तक हिलाते हुए फ्राई करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चार हरी मिर्च लिए और मैंने यहाँ पर आधा कप जितना कच्चा नारियल लिया है। यहाँ पर कच्चे नारियल की जगह आप सूखा नारियल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मसाले डालने के बाद हमें यहाँ पर 10 से 12 लहसुन की कलियों को डालना है और फिर से एक से दो मिनट तक इस मसाले को हमें अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये अच्छे से फ्राई होने तक इसे मीडियम फ्लेम पे पकाया है। उसके बाद हमें यहाँ पर आधा कप जितना धनिया के पत्ते को लिया है। उसके बाद जो हमने मसाला फ्राई करके लिया था इसे हमें मिक्सर जार में डालकर इसकी अच्छी सी पेस्ट बना कर लेनी है। अब मैंने उसी कढ़ाई में यहाँ पर करेले को डालना है और ऊपर से दो से चार टेबलस्पून आप ऑयल डाल के इसे अच्छे से फ्राई कर सकते हैं, या तो आप लोहे के तवे पर इसे फ्राई करने से ये करेले अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। इसे आप अच्छे से फ्राई करना चाहते तो लोहे के तवे पर ही इसे फ्राई कीजिए, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर फिर से एक बार 5 मिनट तक लोहे के तवे पर इसे अच्छे से फ्राई किया है। ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हमें यहाँ पर आधा कप जितना ऑयल डालना है। ये ऑयल अच्छे से गर्म हो जाने के बाद मैंने यहाँ पर एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और आधा चम्मच हमें यहाँ पर जीरा पाउडर डालना है और इसे हमें अच्छे से एक बार मिक्स करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1/4 टेबल स्पून जितनी हल्दी डाली है और लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 4 हरी मिर्च यूज़ किए, इसीलिए हमें यहाँ पर 2 चम्मच जितना ही लाल मिर्च पाउडर डालना है। ये देखिए, ये अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद हमने जो मसाला बनाकर रेडी करके लिया था इस मसाले को हमें ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। ये देखिए, इस मसाले को मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भून कर लिया है ऑयल में। ये जब तक मसाला अच्छे से पक नहीं जाता तब तक हमें यहाँ पर इसमें करेले नहीं डालना है। ये मसाला जितने अच्छे से पकता है उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आता है, तो इसीलिए आप यहाँ पर मसाले को अच्छे से पकाइए, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसे पका कर लिया था। उसके बाद हमें यहाँ पर बॉईल किया हुआ पानी मैंने यहाँ पर 1 कप जितना डाला है। उसके बाद हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितनी हमें यहाँ पर गुड़ को ज़रूर डालना है, इससे करेले का कड़वापन बिल्कुल भी कम हो जाता है।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून गुड़ डाला है। उसके बाद हमने जो अच्छे से फ्राई करके लिया था करेले को, इस करेले को हमें ऊपर से डालना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना डाला है, आप नमक को अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला डाला है और 1 चम्मच हमें यहाँ पर ऊपर से कसूरी मेथी को इस तरह से डालना है और अच्छे से एक बार मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे मसालों को अच्छे से मिक्स किया है। अब हम यहाँ पर एक प्लेट ढककर 5 से 8 मिनट तक इसे अच्छे से पकाना है। ये देख सकते हैं ऊपर से ऑयल कितने अच्छे से छूट चुका है और ये करेला भी अच्छे से पक चुका है। अब हम यहाँ पर एक प्लेट में निकाल कर इसे सर्व करके लेना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर गैस को ऑफ करके एक प्लेट में निकाल कर सर्व करके लिया है। ये मसालेदार करेले की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब